हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल भूपेंद्र ओझा ब्लॉग्स। एक और नया दिन, एक और नई जर्नी और एक और नए दिन की शुरुआत करते हैं सिर्फ और सिर्फ आपके प्यार के साथ। तो गाइस, अभी हम लोग आ चुके हैं जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल। जी हाँ गाइस, वही फेस्टिवल जिसका पूरे साल लोगों को इंतजार रहता है कि कब ये जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल आएगा और कब हम लोग जो है वो एंजॉय करेंगे। तो गाइस, अभी चलते हैं आपको फेस्टिवल के अंदर और आपको दिखाते हैं क्या कुछ यहाँ पर खास है। तो बने रहिए ब्लॉग के ऊपर। तो गाइस, ये है चेक पोस्ट जहाँ पे चेकिंग होगी और चेकिंग सिक्योरिटी चेक के बाद हम लोग जाएंगे अंदर। तो गाइस, म्यूजिक के बीच आपको पता लग पा रहा होगा कि क्या कुछ खास यहाँ पर होने वाला है और आज हम लोग कितना एंजॉय करने वाले हैं यहाँ पर। गाइस, बने रहिए ब्लॉग के ऊपर। तो गाइस, सिक्योरिटी चेक जो है वो हो चुका है और अभी हम अंदर आ चुके हैं। Have you heard about the tortoise and the hare? Kachawas are the true tortoise. True Kachawas are slow but sure. We stay inside our... तो गाइस, देर किस बात की करनी, देखिए सामने पक्षियों का झुंड जो कि आर्टिफिशियल है लेकिन देखने में बहुत ही खूबसूरत है। तो अभी वापस हम लोग जो है वो फ्रंट लॉन्च की तरफ जो है वो चलते हैं और यहाँ पे अभी सेशन जो है वो चेंज हो चुका है और दूसरा सेशन यहाँ पे अभी स्टार्ट हो चुका है। तो गाइस, आज हम आपको पूरा फेस्टिवल जो है लिटरेचर फेस्टिवल आपको दिखाने वाले हैं और जैसे ही आप अंदर की तरफ एंटर करोगे तो आपको सर्विस डेस्क जो है वो मिलेगी जहां से आप इंफॉर्मेशन वगैरह जो है वो ले सकते हैं इस लिटरेचर फेस्टिवल के बारे में। और अंदर आपको जो है वो शॉपिंग भी आप यहां पर जो है वो कर सकते हैं, उसके लिए भी खासा इंतज़ाम किया गया। और ये सामने देखिए चाय का ठेला जहां पे बहुत ही अल्टीमेट चाय मिलती है। अब तो आप चाय जब भी आते हैं यहाँ पर आएँगे तो चाय की चुस्की का आनंद ज़रूर आपको लेना है। और यहाँ पे तरह तरह की जो है वो शॉप्स खुली हुई है जहाँ से आप परचेजिंग कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कारपेट, जींस की शर्ट्स और पेंटिंग्स वगैरह भी जो है वो आपको यहाँ पर
वाजिब दाम में जो है वो आपको मिल जाएगी। तो यहाँ जब आएँ तो आप ज़रूर देखें, क्योंकि ऐसा यूनिक कलेक्शन जो है वो आपको यहीं पे देखने को मिलता है जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में। तो गाइस, आप यदि टैटू के शौकीन भी हैं तो उसके लिए भी यहाँ पे खासा इंतज़ाम किया गया है, और ये है सेल्फी पॉइंट जहाँ पे आप आकर सेल्फी जो है वो ले सकते हैं। पीछे की तरफ जो है वो रिफ्रेशमेंट का जो है एरिया, और सामने आप लीकर वगैरह भी, यदि आप शौक रखते हैं तो आप यहाँ पे लीकर भी ले सकते हैं। और अभी मेरे सामने है चार बाग जहाँ पर म्यूज़िकल नाइट जो है वो होने वाली है। तो गाइस, यही इस इवेंट का जो है वो मेन अट्रैक्शन पॉइंट है, जिसके लिए लोग बाग जो है वो खींचे चले आते हैं, क्योंकि यहाँ पर लाइव बैंड जो है वो आपके सामने प्रेजेंट होता है। और ये अभी रिफ्रेशमेंट जो है वो चल रहा है, तो अभी हम लोग और इस फेस्टिवल को जो है वो एक्सप्लोर करते हैं। तो आइए चलते हैं और अंदर की तरफ। Falling, 'cause you know we gon' fly.
Shall we just go? I can start with myself. Can I have a little bit of more? That's good. Yeah, everyone's okay? Pratik, I need a little of. Honestly, this mic, this side doesn't help me at all. Thank you.
Dinna tarikada 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 tar